बैठ जाइए भाई, मेहरबानी बैठ जाइए। हारून रशीद ने वजीर को भेजा कि बाजार से पानी खरीद कर लाओ। वजीर एक के बजाय दो ले आया। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। वजीर एक के बजाय दो ले आया। बादशाह नकार ने कहा था एक लेकर आना, तुम दो क्यों लाए? वजीर कहने लगा कि दो बिक रही थी, एक का रंग काला एक घोड़ा, मैं दोनों ले आया, मर्जी आपकी चाहे काली पसंद फरमाइए। गोरी बादशाह ने एक नजर गोरी को देखा, एक नजर काली को देखा, फैसला कोई किया नहीं था कि गोरी आगे बढ़ी और अपने लफ्जों में कहा कि मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। उसमें मोती सफेद होता है, लाखों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी है इसकी क्या औकात, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिल जाता है। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो काली आगे बड़ी कहने लगी, हुजूर हमारी नहीं सुनोगे? कहे तुम भी सुनाओ। तो काली ने कहा, हे मुश्किल नाफा काली, कीमत में बेशाली, और वो ही सफेद है जो पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्किल नाफा काली होती है बड़ी कीमती, 60-70 हजार रुपए तोला, और ये जो सफेदा खड़ी है ना रुई की तरह सफेद है, 2000 रुपए इतने बड़े बड़े लिहाफ आ रहे हैं, 4 बच्चे मियाँ बीबी आराम से जोड़ते हैं माशाल्लाह, तो ये तो बोड़ियों में बिकने वाली है, हम तो हजारों में तोलों में बिकने वाले हैं। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बड़ी कहने लगी, आपने कुरान नहीं पढ़ा? यूं मतलब ये तू वजू वस्वर तू वजू, कयामत के मैदान में नेक लोगों के चेहरे सफेद और बद लोगों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। तो गोरी ने कहा, अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे और दो सफी जो होंगे वो होंगे उनके काले। काला होना तो दोजखी की आलामत है, गोरा होना जन्नती की आलामत है, मुझे कबूल करो। काली फिर आगे बढ़ी कहने लगी, आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आंखों की काली पुतली से नजर आता है, अगर काला टुआ फोड़ दो सफेदी बेकार है, किसी काम की नहीं है। बादशाह वाला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी आगे बढ़ी कहने लगी, आपने कुरान नहीं देखा, कागज कैसे हैं कि सारे सफेद? तो गोरी कहने लगी, कागज सफेद है सब गोरा ने पाक वाले। अरी बोली, हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, कागज ही सफेद लिखा हुआ काला है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी कहने लगी, जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था, मीलाद का जो दिन है वो रोशन दिल यकी है। तो काली ने कहा, हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के बुलाया वो रात काली थी। तो गोरी ने कहा, हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो इसे कल्लो को रखना है या मुझे भूरी को रखना। तो गोरी कहने लगी, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। काली ने कहा, मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली कहने लगी, हाँ सोचिएगा आका ये आप अकले वाले, हाँ सोचिएगा आका ये आप अकले वाले, काबे का गीला फुकाला हजरत बिलाल वाले। खोरी ने कहा, नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था, रुख मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। काली बोली, हुजूर सुफे उनकी काली ही कमली का रंग काला। सुफे भी काली थी कमली का रंग भी। बादशाह कहने लगा, कल्लो तू भी चुप हो जा और भोरी तू भी खामोश हो जा। और वजीर से कहा, भाई एक बात तो बता, बांदिया लेने गया था कि उठाने उठाने गया था? इतना इल्म है पर ऐसी क्यों किया? बाजार में तुम्हें 100 भी मिले लेकर आप अपने दरबार में कबूल करेंगे, ये उनके इल्म का हाल था। हमने हजारों जितनी मरतबा भी मैं आया, हजारों मरतबा तो नहीं।